भी इसको बनाएंगे भी ना, वापस जोड़ेंगे ना इसको, जोड़ के लेके जाएगी ना। जयराम जी की मालकिन, काम हो रहा है, अच्छे से कर देंगे, तुम चिंता ना करो। आप समझ रहे हैं, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम तुम्हारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने ना वहाँ के लिए नया एक जैसे नहीं लिया, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ की यहाँ पे जरूरत इतनी है नहीं। वैसे भी बारिश ठंडी का मौसम चालू हो गया, तो यहीं का निकाल के साफ सफाई करके वहाँ फिक्स कर देंगे। क्यों दो दो एडजस्टमेंट, जब यहाँ से खाली करेंगे तब फिर इसका क्या करेंगे, है ना बाबू? इसके लिए निकाला मैंने, क्योंकि वहाँ पे अपने खिड़की के लिए माप देना है, तो उसे निकालना जरूरी है अभी। इसलिए मैं निकाल के बस ओके, तो ये वही फिक्स हो जाएगा ना अभी। हाँ, ये देखो कलर लगे हुआ है कॉर्नर पे, बहुत ऐसा। चलो ठीक है, तोड़ना नहीं है, ले कांटे से निकल जाता वो वैसे। ये वो उषा वाला एडजस्टमेंट है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, इसका एक बार रिव्यू चाहिए तो इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने अमेजोन से मंगाया था ये। अस्सलाम वालेकुम। उसमें आज मूड ऑफ है, आज मैं आपको दिखाऊंगा सिंगापुर, ट्रिप टू सिंगापुर, ठीक है? चलिए इधर। सो ये है सिंगापुर, है ना उस्मान? ये देखो सिंगापुर, हमारा सिंगापुर। वेलकम बैक टू सिंगापुर, है ना उस्मान? चलिए, वो ग्राउंड का नाम है सिंगापुर, लोगों ने यहाँ पे इसका नाम दिया है। यहाँ पे हमेशा लोग मैच खेलने के लिए आते हैं। आप वो झाड़ देख रहे हो आगे, वो ऑलमोस्ट आधा डूबा हुआ है पानी में, वहाँ पे लोग बैठते हैं, और मतलब वहीं पे एक पिच होती है क्रिकेट की, और वो झाड़ी से लोग छाव में बैठते हैं। अभी तो फिलहाल पूरा पानी पानी भरा हुआ है। चलिए, तुम कहाँ बैठना है उसमें को? वो झाड़ों में, पेड़ पे बेटा, उसमें पानी बहुत है वहाँ पे ना, और यहाँ पे ना ऑलमोस्ट मच्छी भी आ जाती है बरसात के मौसम में, तो लोग मच्छी पकड़ने आते हैं वहाँ पे। और आपको ना एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं थोड़ा आगे जाके, ठीक है? क्या उसमें? मच्छी पकड़ने का। मच्छी खाने पसंद है तेरे को? आज मच्छी पकड़ना भी पसंद है? आज मेरी बेटी रोई सच्ची में, है ना? क्यों रोई? अच्छा, क्यों मारी? फिर से पूछ रहा, तुम बताया नहीं क्यों मारी अम्मी ने। अच्छा चल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टेक वेकी के ब्लश एंड मेकअप रिमूवर्स। पर्पल पे ऑफर चल रहे हैं, पर्पल ब्यूटी कार्निवल फ्रॉम 22 to 27 जून, एंड अप टू 50% ऑफ, और साथ ही साथ फ्लैट 30% ऑफ ऑन स्टेक वेकी, एंड साथ ही साथ गेट अ चांस टू विन एन आईफोन यूजिंग कूपन कोड iPhone 12। तो ये है माइसलर वाटर, जो कि हमें इजीली कॉटन पैड पे हमें ये ऐड करना होता है, और जेंटली हमारे जो भी मेकअप है फेस पे, आई पे, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं इससे। तो यहाँ पे मैं अपने हैंड पे ना कुछ स्वेचेस किए थे लिपस्टिक के, तो मैं वही रिमूव करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप, ये इजीली क्लीन कर दिया है मेरे हैंड को, और ये हमारे फेस मेकअप को भी इजीली रिमूव कर देता है और हमारे फेस को एकदम क्लीन बना देता है, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा है मेरे पास ये मेकअप रिमूवर स्टेक विकी का, ये भी हमें सेम ही अप्लाई करना है, कॉटन पैड के हेल्प से हमें जेंटली क्लीन करना है मेकअप को। तो दोनों भी सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा इसका टेक्सचर अलग है, इससे मुझे ऐसा लगा थोड़ा जल्दी मेकअप रिमूव हो गया। तो ये देख सकते हैं दूसरी तरफ भी मेरे हैंड पे लिपस्टिक के स्वैचेस है, तो मैंने इसको थोड़ी क्वांटिटी में ये कॉटन पैड पे ले लिया है, देख सकते हैं। और बस मैंने इसको अपने स्किन पे रखा और 3-4 सेकेंड तक के इसको होल्ड करके रखा, और ये देख सकते हैं ये इजीली क्लीन हो गया है, ठीक है? और यही कॉटन पैड को मैंने पूरे स्वैचेस तक के पूरा, मतलब मेरे और एक दो वीडियो मैंने बनाए तब तक के मैंने ये कॉटन पैड को ही यूज़ किया, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के वो कॉटन पैड में अवेलेबल था। और ये जो इस लिपस्टिक मैंने पहुँची है, ये है मैट लिपस्टिक, ये भी स्टेक विकी की मैट लिपस्टिक थी, उसको भी ईजिली इसने रिमूव कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे है ब्लश, चीकी गर्ल ब्लश, रोज़ स्टारलेट 4 इसका शेड नंबर है, और ये थोड़ा लाइट शेड है, आप देख सकते हैं ये ना पीच जैसा लाइट शेड, लाइट है, पीची लाइट है, और ये डस्की स्किन टोन पे भी बहुत अच्छा लगेगा, इवन फेयर स्किन टोन पे भी ये ब्लश बहुत अच्छा लगेगा, देख सकते हैं आप, इजीली ब्लेंड भी हो जा रहा है और इसका शेड भी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ दूसरा है मेरे पास ये पीच लेडी 3,
जो कि थोड़ा डार्क है और इसके अंदर थोड़ा सी शाइनी पार्टिकल्स है, जो कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली। मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं ब्लश यही शेड के यूज़ करती हूँ अपने फेस पे वीडियो बनाने के टाइम पे। तो दोनों भी बेस्ट है अगर मैं बोलूँ तो। मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाऊँगी आगे। इसमें थोड़ी सी शाइनिंग है, और यहाँ पर ये दूसरा है, इसमें दो शेड हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये ब्लश ड्यू ब्रंच रेडी टू, इसके अंदर दो शेड है, आप देख सकते हैं लाइट एंड डार्क दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ये एक भी ले लिए तो काम हो जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऑफ़र भी चल रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पर्पल ब्यूटी कार्निवल, तो आप ऑफ़र चेक कर सकते हैं, अप टू 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये एक साइड पर लगा रही हूँ पीच लेडी 3, जो कि मैंने बोला ना थोड़ा डार्क है, वो मैंने अप्लाई किया, देख सकते हैं आप। मुझे ये अच्छा लगा, मतलब मैं ज़्यादातर वीडियो के लिए ना ये वाला शेड ही अप्लाई करती हूँ ना, तो इसलिए। और दूसरी साइड पे मैं लगाऊंगी ये रोज़ स्टारलेट 4, जो कि थोड़ा लाइट है, कहीं बाहर आए गए तो ये बहुत अच्छा लगेगा ब्लश लगाने के लिए, थोड़ा सी लाइट है। तो ये सारे प्रोडक्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हम लोग के बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस का सामने वाला सीन, यहाँ पे गर्मी के मौसम में बहुत लोग, मतलब पूरा ग्राउंड भरा हुआ था क्रिकेट से, क्रिकेट के फील्डरों से, यहाँ पे बहुत लोग मैच खेलने आते हैं, भीड़ लगी हुई रहती है, ठीक है। और ये आ रहा है हम लोग की बिल्डिंग, आपको दिख रही है, ये वो पीछे मेन एंट्रेंस है। ये सीन काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी। किसके पास जाने का, किसके पास? खरगोश नहीं, वो कुत्ते लोग है, उसको खरगोश बोल रहे हैं, कुत्ते लोग मस्ती कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं नानी के पास इसके, ठीक है। ये हमारा सेफ्टी डोर, हाँ चल किचन देखते। चलो उतरो सामान के आगे, देख के टेंटाडन हमारा किचन। ये इसे खुलेगा ऐसे, तो पूरा ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये भी सेम वैसे ही है, और ये हाँ भैया चल रहे अपन। वो जब देखे सामने ग्रिल का काम हो रहा है, वो अपने जो ग्रिल है आज ही लगने वाली है, वो ये ग्रिल पे जो बाहर पूरा ओपन स्पेस है। हाँ बेटा ये, हाँ चल। उस्मा आज बहुत रो रही थी, है ना उस्मा? पहले बता क्यों रो रही थी, क्यों मारा था वो तो बता। क्योंकि मैं खाना नहीं खा रही, है ना। यहाँ देख उस्मा, यहाँ देख उस्मा, क्या ये? ये जलेबी, और ये है चिकन वगैरह, ताकत चीज की। रबड़ी, इतनी सारी जलेबी के लिए इतनी सी रबड़ी? हाँ इसमें डालने का ऐसा, अरे डालने का, डुबा के नहीं खा सकते? खा सकते जैसे तुम। अच्छा डाल दो, चलो डाल दो, मैंने खा का ऐसा खा। डालो, अरे डालो। तू अच्छा तेरी सुखी जलेबी ले लो, उसको उसकी सुखी जलेबी दे दो, मैं नहीं खाने वाली।
अरे एक जलेबी ले ले, एक जलेबी ले ले, एक रख दो साइड में। तुम्हारे लिए पूरे जलेबी पे मैं वो होना चाहिए ना, नहीं चाहिए हमको, आप अच्छे डाल दो। चल बक, चलो अभी साथ में बड़े बट के खाओ ना, खाओ ना गंदड़े। कैसा कैसा छी, नष्टू तो भी हो गया। ये हमारा मैट है, बहुत ज्यादा मीठा है। मुझसे इतना मीठा खाया नहीं जाता, ये लेकर आया बोलते मैं खाने बैठा। चाय चीज में मीठी चाय। हाँ काली मैं मीठी चाय पीती, इतनी मीठी कसम से अपने घर में, यहाँ पे मेरे ससुराल में कोई नहीं उतना मीठा पीता है। अरे बाबा मेरी चाय कम हो गई है, पहले मैं कभी कभी ना इसकी बनाई हुई चाय आधी छोड़ देता हूँ, ओवर हो गया मीठा। ये चाय ये मीठा नहीं लग रहा। मैं ना दिन में पहले बहुत चाय पीती थी, अब बहुत कम कर दी। मैं दिन में दो बार चाय पीती हूँ, मेरे को अच्छी मीठी चाय चाहिए, लेकिन और इतनी सी पीती मैं। अभी लोग कब भर के चाय पीने वाले, कम मीठा चाहिए लोग को, क्योंकि मम्मी के घर में सब नहीं पीते ज्यादा ज्यादा चाय, ज्यादा नहीं कम मीठी तो जाती है अंदर। अपने को नहीं चाहिए ना दादी, मेरे को नहीं चाहिए ना दादी, मेरे को मीठी चाहिए कम चाहिए, तो बराबर हो जाता ना हिसाब। मैं कम में जितनी चक्कर ले रही हूँ, लोग ज्यादा में उतनी ले रहे, क्या फर्क पड़ता है। चलो बहुत मीठा हो गया मेरे को अभी, बस हो गया, अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा, खा लो, उसमें तो खा ही नहीं रही हूँ। खाना बेटा थोड़ा। हाँ खा, हाँ ये खा लो। क्या उस्मा, दोनों छोटे बच्चे बेटा, कितने अच्छे हैं ना, बस हाँ चल हो गया, हाथ लगा ली, चल चल अभी आ जा, क्योंकि यूसुफ भाई है ना यूसुफ, बोल हाय। हाय कौन है वो बेटा, गाइस आप लोग बताना ये जगह कहाँ की है एग्जैक्टली, जो मालवनी की है टिपिकल उनको शायद डेफिनेटली पता होगा जगह कहाँ की है, ठीक है। पूरा मैंने सर्वे करा दिया आप लोगों को, गेस करके बताना जगह कहाँ की है मालवनी की जी। ये है मेरा यूसुफ, जा पकड़ उसको गोट को, है ना, डर क्यों रहा है, नहीं करता कुछ भी, अच्छा हो, हाथ लगाओ, है ना, अच्छा है ना।